एक ऐसी मौत की वादी जहां एक चीख से 70,000 लोग अचानक मर गए, और अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्होंने इन 70,000 मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करके दिखाया। आखिर इस मौत की वादी में ये लोग क्यों मर गए और कैसे अल्लाह के नबी ने इन 70,000 लोगों को दोबारा जिंदा कर दिया, ये सब हम आपको आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में न छोड़े और इसे आखिर तक जरूर देखें। जिस नबी के बारे में और उनके वाकये के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, उनका नाम हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम है। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत अता फरमाई थी। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का लकब इब्नुल अजूस है, यानी बुढ़िया के बेटे, और आप जुल्फिक्र भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूस कहलाने की वजह यह है कि आप उस वक्त पैदा हुए थे जब आपकी वालिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपको जुल्फिक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने अपनी कफालत से 70 नबियों की जान बचाई थी जिन्हें यहूदी कौम कत्ल करना चाहती थी, और आपने खुद को भी उनके हाथों कत्ल होने से बचाया था। इसके बाद आप कई अरसे तक अपनी कौम बनी इसराइल को दावत हक की तरफ बुलाते रहे। इसी कौम की एक जमात हिजकील अलैहिस्सलाम के शहर में रहा करती थी। एक बार इस शहर में एक बीमारी फैल गई जिससे इस शहर के लोगों में मौत का डर सवार हो गया, जिसके बाद ये लोग मौत के डर से शहर छोड़कर एक जंगल की तरफ भाग गए और वहीं रहने लगे अल्लाह ताला को। इन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नागवार गुजरी, जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल की तरफ भेज दिया। उस फरिश्ते ने एक पहाड़ की आड़ में छिपकर एक जोरदार चीख मारी और कहा कि तुम सब मर जाओ। उन लोगों ने जैसी ही उस फरिश्ते की हौलनाक आवाज सुनी तो वो लोग बिना किसी बीमारी के अचानक ही मर गए, जिनकी तादाद 70,000 बताई जाती है। हालांकि इस तादाद के मुतल्लिक अलग अलग रिवायतें देखने को मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक इनकी तादाद 8,000 बताई गई है, तो वही एक रिवायत में इनकी तादाद 40,000 बताई गई है, वही कुछ रिवायतों में इनकी तादाद ज्यादा बताई गई है। इन लोगों की तादाद इतनी थी कि लोग इनके कफन और दफन का कुछ इंतजाम नहीं कर पाए और इनकी लाशें एक मैदान में 8 दिनों तक सड़ती रहीं, जिस वजह से उस जंगल और वहाँ के आसपास के इलाकों में पूरी तरह बदबू फैल गई। कुछ लोगों ने इन पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी ताकि ये तमाम लाशें दरिंदों से महफूज रह सकें। कुछ दिन के बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम उस जंगल के पास से गुजरे तो अपनी कौम के इतने सारे लोगों को ऐसा मुर्दा देखकर और बिना कफन दफन के देखकर आपका दिल उदास हो गया और आप काफी गमगीन और परेशान हो गए, जिसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए दुख भरे दिल से दुआ मांगी के या अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग थे जो अपनी नादानी की वजह से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे बहुत लगाव था और ये लोग मेरे सुख दुख में शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी। आप अपने उदास दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि उसी समय आप पर वही उतरी कि ऐ हिजकील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि इकट्ठा हो जाओ। ये सुनना था कि बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर इंसान की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे में बदल गई। फिर एक और वही नाजिल हुई कि ऐ हिजकील, आप फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये वही नाजिल होते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गया। और फिर तीसरी वही नाजिल हुई कि ऐ हिजकील, अब ये कह दो कि ऐ मुर्दों, अल्लाह के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही वो सारी लाशें कुछ पड़ते हुए खड़ी हो गयी। फिर ये लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्र की मुद्दत तक जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलादों के जिस्म से सड़ी लाशों की बदबू आती रही, और ये लोग जो कपड़ा पहनते वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है वैसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर भी आ जाता था। चुनांचा ये असरात आज भी इन यहूदियों में पाए जाते हैं, और कहा जाता है कि आज भी इन यहूदियों के जिस्म में एक गंदी बदबू आती है जो कि हिजकील अलैहिस्सलाम के वक्त के लोगों में आया करती थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूले।